क्लास टेंथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। अगर आप ये क्वेश्चन ढूंढते हुए आए हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आपको दर्द हो रहा होगा, बट मैं आपको इतनी सिंपल फॉर्म में बताऊंगा कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखो क्या करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ऐसा कहीं भी दिख जाए आपको क्वेश्चन में कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, इसका मतलब है कि वहां निकालना है एचसीएफ। बस इतना कान खोलकर सुन लो, किसका निकालना है अभी छोड़ो, अगर आपको मिल जाए लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, इसका मतलब है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हाँ सर, चलो एचसीएफ आपने बोल दिया, हम एचसीएफ निकालना शुरू करते हैं। बट ये निकालना किसका है, तो हमें दिया हुआ है कि 70 और 125 को ये डिवाइड करना चाहिए, लेकिन लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। और हर एक केस में अगर इसको डिवाइड दे रहे हैं तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, और अगर इसको उस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, लेट अस सपोज हमारे पास क्या है 25 है और इसको हम डिवाइड दे रहे हैं 4 से, तो ये 6 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 24 बाय 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि द नंबर विच डिवाइड्स 25 एंड लिविंग डिवाइडर 1, है ना, और क्या करता है कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, एक रिमाइंडर आ जाता है। तो इस केस में हमको इससे माइनस करना पड़ेगा 1, तो हमें पता चलेगा अच्छा 24 वो नंबर है, यानी कि इस केस में अगर 5 रिमाइंडर आ रहा है ना, तो हमें किसका एचसीएफ निकालना होगा, तो हमें निकालना होगा 70 माइनस 5 का, और उसके साथ साथ किसका 125 माइनस 8 का, इन लोग दोनों का हमें रिमाइंडर देखने को मिलेगा, यानी कि किसका एचसीएफ ऑफ 65.117 ये हमें निकालना होगा। और इसका अगर आपने एचसीएफ निकाल दिया, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 65 अभी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर 65 का अगर आप देखो तो ये 5 के टेबल में 13 टाइम्स में आ जाएगा, और 117 9 के टेबल में भी ये कितने टाइम्स में आएगा, 13 टाइम्स में। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 13, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, दैट इज 13, दोनों का एचसीएफ कितना हो गया 13। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जब कभी भी लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दे दे तो एक चीज तो आपको अपने माइंड में एकदम अंदर घुसा लेना है कि हमें एचसीएफ पूछा हुआ है। इस टाइप से लिविंग रिमाइंडर दिख जाए कहीं पे तो इसका मतलब है दोनों में से माइनस करना होगा, तब जाकर आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके समझ में आया ना, बोलो समझ में आया ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में।